हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत करता हूं मुझे टिप चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2020 की सबसे लेटेस्ट मॉडल मशीन है, जो मार्केट में बहुत सबसे ज़्यादा चल रही है दोस्तों। सबसे एडवांस फीचर, सबसे एडवांस फंक्शन और हाई कैपेसिटी हैवी कूलिंग सिस्टम वाली, बड़ी कंप्रेसर सिस्टम वाली मशीन है दोस्तों। जो इसकी वीडियो हमने पहले भी 3-4-5 वीडियो डाली है हमारे यूट्यूब चैनल में, हमको हमारे कस्टमर व्यूवर्स का बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है दोस्तों। और ये मशीन है दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड मशीन है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी की मशीन है। इसके अंदर हमने 1.5 एचपी का इंबरको कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर लगाया हुआ है दोस्तों। इसलिए 1.5 टन का कंप्रेसर होता है, जिसके हिसाब से दोस्तों इसकी कैपेसिटी हाई प्रोडक्शन हो जाती है। मार्केट में बहुत सारी सॉफ्टी मशीनें मिलती है दोस्तों, और हमारे पास भी लो क्वालिटी लो फंक्शन की मशीनें, सस्ती मशीन हमारे पास भी है दोस्तों। चाइनीज जो मार्केट में मिलती है वो मशीन हमारे पास भी है, लेकिन उसमें क्या रहता है दोस्तों कि 4-5 कोन निकालने के बाद आइसक्रीम लूज हो जाती है दोस्तों। अगर आपके वहाँ गर्मियों के मौसम में एक साथ 10 लोग कस्टमर 10 15 20 कस्टमर आ जाते हैं, तो वो चाइनीज मशीन हैंडल उसको नहीं कर पाती दोस्तों। उसके सामने हमारी डॉल्फिन कंपनी की ये दो मॉडल है, सबसे लेटेस्ट मॉडल है, एक प्रीमियम प्लस है और एक प्लेटिनियम मॉडल है दोस्तों। इसकी हमने बहुत सारी वीडियो पहले वर्किंग ऑप्शन में भी डाली हुई है, आइसक्रीम निकाल के भी आपको दिखाई हुई है दोस्तों। फिर से हम एक बार आपके सामने आए मशीन का मॉडल्स लेके, कि आपको फिर से दोबारा आपको नोटिफिकेशन मिले कि क्या इसमें चेंजेस है। मार्केट में कोई आपको मशीन ओपन करके नहीं दिखाएगा दोस्तों, हमारी डॉल्फिन कंपनी है कि ऐसी का पूरी मशीन ओपन करके खोल के अंदर कौन सा कंप्रेसर है, कौन सा फैन है, कौन सा कंडेंसर है, मशीन का क्या फंक्शन है, सब कंपनी हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी बताएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे व्यूअर्स हमारे कस्टमर से कुछ छुपाना नहीं है दोस्तों, ठीक है, जो है ओपनली क्लियरली बात करके कस्टमर के साथ डील करनी है हमारे को। सबसे पहले मैं दोनों मशीन की आपको फंक्शन बता दूं दोस्तों, ये हमारी प्रीमियम प्लस मॉडल है और ये हमारी प्लेटिनियम मॉडल है दोस्तों। दोनों मशीन एक की है, कोई फर्क नहीं है दोनों के बीच में, एक बोल्ट का भी फर्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्लेटिनियम में एक फंक्शन और ज्यादा है, जो जैम जैम्बो जैम बोलते हैं, जैम टॉपिंग्स आपने सुना होगा, जैम्बो जैम टॉपिंग्स, इसको जैम बोलते हैं दोस्तों। लहर जो आती है ना, लहर रख के रेम्बो सिस्टम बोलते हैं इसको, जेली सिस्टम। ये आइसक्रीम की बॉर्डर के अंदर रेम्बो सिस्टम टॉपिंग्स लग के निकलती है, ये वाली मशीन है, इसके अंदर रेम्बो नहीं निकलती है दोस्तों, ये सादी मशीन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेम्बो नहीं है, खाली आइसक्रीम ही है, उसके ऊपर टॉपिंग्स नहीं है। टॉपिंग्स लगाने के लिए हमने यहाँ पे दो एडप्टर लगा दिए, इसके एडप्टर है दो, एक और दो एडप्टर है, दोनों में पीछे बाउल दिया गया हमने इसका, दोनों का अलग अलग स्टोरेज दिया गया है। जैसे कि आपने इसमें आइसक्रीम वेनिला डाला है, पीछे टॉपिंग्स में चॉकलेट डाला है। अगर कोई टॉपिंग्स वाला कस्टमर मांगता है कि मेरे को टॉपिंग्स वाला आइसक्रीम खाना है, तो उसका हमने यहाँ पे बटन दिया है, ये दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ए और बी, ए जाम बी जाम, ठीक है। ये मतलब कि कोई बोलता है कि भाई वेनिला चॉकलेट के साथ चाहिए, तो आप ए वाला बटन एक बार दबाएंगे तो जाम के साथ, यहां से हैंडल खींचेंगे तो जाम के साथ आइसक्रीम निकलेगा, ठीक है, बटन दबाएंगे तो ही, बटन नहीं दबाएंगे तो सेम ऐसा आइसक्रीम निकलेगा, प्रीमियम प्लस टाइप का, बटन दबाएंगे तो ही जैम निकलेगा, ठीक है दोस्तों। वही हिसाब से बी ये दूसरी साइड का, यहाँ पे आपने लगाया वेनिला लगाया, यहाँ पे लगाया स्ट्रॉबेरी आपने, पीछे जैम में स्ट्रॉबेरी है, तो ये स्ट्रॉबेरी लग के निकलेगा, विदाउट में चाहिए तो स्ट्रॉबेरी नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमने कोन होल्डर दिए गए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप कोन लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका एक सेटिंग बोल्ट भी दिया गया है रेम्बो चॉपिंग्स को सेट करने के लिए, यहाँ पे बोल्ट आप देख सकते हैं। इससे इसका लहर कितना आपको रखना है, ऊपर का जो टॉपिंग्स रहता है वो कितना मोटा रखना है आपको, अगर थोड़ा ही रखना है टॉपिंग्स का लेयर छोटा सा ही, इसमें खाली डिजाइन ही रखनी है तो डिजाइन, इसको सेटिंग करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम सेट कर सकते हैं, ज्यादा कम ज्यादा उसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर में दोस्तों मैं हमारी मशीन की प्रीमियम प्लस की आपको माहिती और जानकारी दूं दोस्तों, तो इसमें हमने 7 इंच का टच वाला डिस्प्ले लगाया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंच टच डिस्प्ले है, ये पूरा ऑटोमेटिकली डिजिटल सिस्टम से काम करती है पूरी मशीन। मशीन को वॉश करनी है तो वॉश का बटन है, आइसक्रीम जमाना है आपको तो फ्रीज का बटन है, कीप फ्रेश करके है, कीप फ्रेश मतलब नाइट मोड में, अगर आपको रात को नाइट मोड में अगर इसको रखना है तो आप इसको कीप फ्रेश लगा सकते हो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, ये कीप फ्रेश लगा के रात को आप दुकान छोड़ के जा सकते हो, सुबह आएंगे तो मटेरियल आपका खराब नहीं होगा, ऐसा 3 से 4 दिन तक आप एक का एक मटेरियल उसमें रख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे प्ले का बटन है, प्ले के अंदर सब इसकी इंटीग्रेंस दिखाई गई है, इंटीग्रेंस मतलब कि आइसक्रीम कैसे बनाना है, मशीन को वॉश कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, मशीन में कल सुबह कोई फॉल्ट आता है तो उसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे एक बार, ये क्लिक करने के बाद मेंटेनेंस, यहाँ पे ये देख सकते हैं पाना का पकड़ का डिजाइन आ गया है, ये दबाएंगे तो मेंटेनेंस, हाउ टू क्लीन मशीन, देखो कि हाउ टू क्लीन मशीन, क्लीन कैसे करना है,
इसके अंदर सब इंटीग्रेंट इसका दिया गया हुआ है, पानी गर्म डालना है, उसको वॉश करना है, फिर वॉश का बटन दबाना है, फिर आपको 5 से 10 मिनट तक इसको कंटिन्यू रखना है, फिर पानी निकाल देना है और वॉश होगी आपका मशीन। आपको मालूम नहीं है लेकिन ये मशीन आपको बताएंगे वॉश कैसे करना है। कल सुबह मशीन में कोई दिक्कत आई तो उसको दिक्कत को सॉल्व कैसे करना है, मशीन ट्रबल शूटिंग एंड सॉल्विंग मेथड, उसको सॉल्व कैसे करना है। मशीन में कल सुबह कुछ प्रॉब्लम आई और उसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों आपको, तो इसके अंदर आपको जानकारी दी है। चेक द सेंसर स्टेट, रेड लाइट ऑन इज नॉर्मल। देखिए यहाँ पे सेंसर दिया गया, बेल्ट है इसके अंदर सेंसर दिया गया, ये नॉर्मल है क्या है एक बार चेक करना है आपको, इसको घुमाना है। लाइट इज अनवर्क इज ब्रेक डाउन, आप देख सकते हैं। तो हर एक जानकारी ये मशीन के अंदर दोस्तों दी गई है। इसके अंदर आइसक्रीम कैसे बनाना है, सेट कैसे करना है, मेक आइसक्रीम, मेक इंग्रेडिएंट्स कैसे पाउडर मिक्स करना है, सेल आइसक्रीम, स्पेयर पार्ट क्या, कौन सा स्पेयर पार्ट मशीन के अंदर है, इंट्रोडक्शन ये सब बताएगा, हैंडल है, ये सब चीज इसके अंदर दिखाता है दोस्तों। ठीक है, ये सेल आइसक्रीम है, मेक एंड सेल आइसक्रीम। देखो इस टाइप का आइसक्रीम का कौन दिखाया गया इसमें, अब देख सकते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की टोटली डिजिटल फंक्शन, डिजिटल सिस्टम वाली मशीन दोस्तों हमारी डॉल्फिन कंपनी अप्लायंस, डॉल्फिन अप्लायंस ने लॉन्च की है मार्केट में। अगर आप ये सेम फंक्शन, सेम सिस्टम अगर कोई ब्रांड में लेने जाते हैं, जैसे कि ब्रांड टेलर कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, मेड इन यूएसए का, जो बड़े बड़े मॉल है, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी वहां पे लगी रहती है, ठीक है, उस टाइप की मशीन अगर टेलर कंपनी में मशीन लेंगे 11 लाख 12 लाख रुपए की मशीन आती है दोस्तों। ठीक है, तो वही सेम फंक्शन, सेम सिस्टम, सेम डिजिटल वर्किंग हर एक चीज हमने इसके अंदर डाली है। और इसमें हमने दोस्तों डिजिटल एयरपंप सिस्टम डाला हुआ है कि आइसक्रीम को सॉफ्ट और क्रीमी कैसे बनाना है। मार्केट में बहुत सारी मशीन आपको मिलेगी लेकिन उसमें नॉर्मल एयरपंप होगा, या तो एयरपंप होगा ही नहीं, या अगर एयरपंप होगा तो सादा एयरपंप होगा। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आप ऊपर जो मटेरियल डालते हैं उसको सीधा वो जमा के ही निकालती है मशीन। आप जब आदमी खाता है तो उसको लगता है वो बर्फ खा रहा है, आइस खा रहा है, जैसे कचकच आवाज आ रही होती है। आप तो मटेरियल ओरिजिनल डालते हो, प्योर मिल्क डालते हो, पाउडर अच्छा डालते हो कंपनी का, लेकिन क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है दोस्तों? तो उसका रीजन है कि उसमें प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है अंदर, ऊपर से माल डाला आप, जैसे कि वो तो चीज आप फ्रीज में भी रख सकते हैं ना दोस्तों, अपने घर का फ्रीज है ऊपर बर्फ का, उसमें टब भर के वो रख दिया और जम गई आइसक्रीम और लोगों को सेल करो, तो मशीन लेने की क्या जरूरत है दोस्तों? तो हमारी कंपनी ने इसमें डिजिटल एयरपंप सिस्टम दिया है जिसको मैक्सिमम एयर फिल करती है मशीन। आपने जैसे कि इसमें 4 लीटर मिल्क, 1 किलो पाउडर डाला है तो 5 लीटर हो गया आपका। मशीन अंदर बना के 7.5 से 8 लीटर मटेरियल निकालेगी, उसको फुला के हल्का बनाएगी, सॉफ्ट और क्रीमी बनाएगी। ठीक है, जिससे आदमी खाएगा उसको लगेगा नहीं क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन है, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, बेहतरीन क्वालिटी की आइसक्रीम है। कस्टमर खुद आपको सामने से बोलेंगे खड़े खड़े एक दो वो आइसक्रीम एक ही बंदा खा जाएगा, उतना टेस्टी और अच्छा आइसक्रीम निकलता है। हमारी कंपनी तो गारंटी वहां तक की देती है दोस्तों कि आपको नियरेस्ट प्लेस पे कोई मैकडोनल्ड्स या केएफसी का स्टोर है वहां से आइसक्रीम लेके आने की, हमारी मशीन में से आइसक्रीम निकालने की। दोनों का सेम आपको मैच नहीं लग रहा है दोस्तों तो हमारी मशीन हमको रिटर्न करने की। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी पूरी मशीन को ओपन करके खोल के सब डिटेल देती है, तो हमने मशीन को ओपन करके रखी है। अभी हम आपको इसको साइड लुक घुमा के उसका अंदर क्या क्या फंक्शन है वो बताएंगे दोस्तों। ये हमारी डेमो की मशीन है इसलिए थोड़ा डस्ट रहेगा दोस्तों, आपको जो मशीन मिलेगी वो पूरी ब्रांड न्यू रहेगी दोस्तों। ये हमारा डेमो, पिछले 1 साल से हम इसको कस्टमर को डेमो दे रहे हैं मशीन में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 कंप्रेसर दिए गए, एक बड़ा कंप्रेसर एक छोटा कंप्रेसर है। इंबरको कंपनी का 1.5 एचपी का कंप्रेसर है दोस्तों, ये छोटा एक कंप्रेसर है, दोनों के कंडेंसर फैन है, एक कंडेंसर फैन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा फैन उस साइड दिया गया है जो हम आपको अभी घुमा के दिखाएंगे। यहाँ पे हेवी ड्यूटी 1.5 एचपी की मोटर लगाई हुई है दोस्तों, 1.5 एचपी की मोटर से। ये इलेक्ट्रिक बॉक्स से सिक्योरिटी सिस्टम है, मार्केट में दूसरी कोई कंपनियों की मशीनों में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं आती है दोस्तों, इसकी भी मैं आपको डिटेल देता हूं थोड़ी देर में। पहले आपको उल्टा घुमा के मशीन दिखा देता हूं मैं, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी सिस्टम क्या काम करती है उसकी डिटेल देता हूं मैं। यहाँ पे पूरा पंपिंग सिस्टम है, आपने जो ऊपर मटेरियल डाला है वो खराब ना हो, उसको 2-3 घंटे बिजली जाने के बाद 3-4 घंटा पड़ा रहा तो अभी अपना दूध फट ना जाए, उसके लिए हैवी ड्यूटी पंपिंग सिस्टम है जो यहाँ पे भी डाला हुआ और यहाँ पे भी डाला हुआ, दोनों जगह पे पंपिंग सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा साइड घुमाएंगे इसका, इस साइड का इसका कंडेंसर देखिए दोस्तों, 14-14-4 का बड़ा हेवी ड्यूटी कंडेंसर है। इस टाइप का कंडेंसर कोई भी मशीन में, चाइनीज मशीनों में नहीं होता है दोस्तों।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इम्बरको कंपनी का एक सर्किट डाला हुआ है जो पावर सेवर काम करता है और फास्ट कूलिंग देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़िए इसको, अब इसे दिखाई मैं आपको लाइट लगा के एक बार दिखाता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड, ये देख सकते दोस्तों इम्बरको कंपनी है, एम्बरको, एम्बरको कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे पूरा फिल्टर सिस्टम डाला हुआ है आप देख सकते हैं, जिससे कूलिंग इंस्टेंट फास्ट मिलता है और पावर सेवर रहता है पूरा दोस्तों। और यहाँ पे भी हमने पूरी पफिंग सिस्टम और दोस्तों सब चीजें यहाँ पे भी हमने लगाई हुई है, पफिंग सिस्टम, जिससे आपको कूलिंग का बैकअप ज्यादा मिल सके दोस्तों। अभी मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि इसकी सिक्योरिटी सिस्टम है, इसकी मैं जानकारी देता हूँ, माहिती देता हूँ कि क्या काम करती है दोस्तों। इसका काम ये रहता है दोस्तों कि मशीन में कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले मशीन को अलर्ट करती है। अलर्ट मतलब जैसे कि बिजली पावर है, आपने पावर लगाया हुआ है, ठीक है, ऊपर से पावर अप डाउन होता है, आपको भी मालूम नहीं होता है, कोई भी देहात एरिया है, कोई सिटी है तो वहाँ पे भी पावर प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो अचानक से कोई 300 वोल्ट का झटका लग गया तो बाकी सब मशीन या हमारी मशीन भी, उसमें भी किसी में भी झटका लगेगा 300 वोल्ट का तो कंप्रेसर उड़ा देगी या फैन उड़ा देगी या मोटर उड़ा देगी। लेकिन मशीन के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम ने वो फंक्शन डाला है कि 280 से ऊपर अगर पावर जाती है, 280 से ऊपर पावर जाती है तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, और इरर दिखा हुआ है डिस्प्ले के ऊपर, इरर आ जाता है, यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसके ऊपर इरर आ जाएगा कि हाई वोल्टेज की वजह से मशीन स्टॉप हो चुकी है आपकी, ठीक है। वही हिसाब से हर एक चीज का इसमें सिक्योरिटी फंक्शन डाला है, जैसे कि विदाउट मटेरियल, अगर मटेरियल के बिना हमारी मशीन चलाएंगे या आप कोई चाइनीज मशीन चलाएंगे, अंदर बर्फ जम जाएगा और बर्फ के अंदर पूरे बीटर घिस जाएंगे, या तो बीटर तोड़ देगा या तो स्टील का अंदर का प्लेट है वो फाड़ देगा, ठीक है, हमारी मशीन या कोई भी मशीन हो। लेकिन हमारी मशीन जब मशीन के अंदर आखिरी 15 कौन का मटेरियल बचता है तो आपको अलर्ट करती है कि लो मिक्स अलर्ट मटेरियल डालो। फिर भी अगर कोई बंदा है स्पीडली कस्टमर ज्यादा है तो ध्यान नहीं होता है कि भाई नहीं अभी कर लेते, अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे, जैसे ही मशीन में आखिरी 5 कौन बचते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप हो जाएगी, मशीन काम ही नहीं करेगी, और मशीन के अंदर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि लो मिक्स अलर्ट की वजह से आपकी मशीन स्टॉप है, ठीक है। कल सुबह बाई चांस 6-7-8 महीने में ऐसा कई बार होता है, ये जो बेल्ट है यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये रिंग के अंदर एक बेल्ट लगे, दो बेल्ट लगे हुए, ठीक है, ये बेल्ट 6-7 महीने 8 महीने में लूज हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है, तो बाकी सब मशीन में क्या होता है, लूज होते होते चलते ही रहता है, बेल्ट जब टूटता है तब आपको आवाज आती है, मशीन में बेल्ट लूज होगा सेंसर अलर्ट देगा बेल्ट लूज हो गया है आपका, और उसको रिपेयर कैसे करना है, तो यहाँ डिस्प्ले में इंट्रोडक्शन आएगा कि उसकी मोटर के ऊपर दो बोल्ट है उसको टाइट करना है, जैसे कि यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं पूरा स्प्रिंगिंग बोल्ट है इसका, इसको आप टाइट करेंगे इसलिए मोटर नीचे आ जाएगा, थोड़ा हाइट स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिससे ये बेल्ट रहता है दोस्तों ये थोड़ा डाउन हो जाएगा इसका, जिससे जो बेल्ट लूज हो गया होगा वो फिर से टाइट हो जाएगा, इसलिए वापस आपका 6-7 महीने 8 महीने कंटिन्यू काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों, कोई भी जगह लोहे का या एमएस का यूज नहीं किया है हमने दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर इस टाइप की सॉफ्ट या स्क्रीन मशीन लेनी है एक बार डॉल्फिन अप्लायंस में जरूर कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों, हमारी पास लो क्वालिटी सस्ती चाहिए तो सस्ती भी हम रखते ही है दोस्तों, लेकिन हम बोल के देंगे आपको जो चीज है वो क्वालिटी बोल के देंगे आपको कि ये चीज ऐसा है ये चीज ऐसा है, इसमें एक खासियत है इसमें एक खासियत है दोस्तों, हम आपको मिस गाइड नहीं करेंगे दोस्तों कि ये अच्छी है बहुत अच्छी है, चाइनीज मशीन की तारीफ करके ले जाओ बहुत अच्छी है फिर कि दे देने का कष्ट, ऐसा काम नहीं है दोस्तों हमारा। आपको सस्ती बोलेंगे कि मेरे को ये बजट मार्केट में रेट मिला है तो उससे 5,000 कम की हम आपको देंगे, बट ये चीज जो ब्रांडेड है जिसके अंदर हमने भी एक्सपेंसिव चीजें लगाई है दोस्तों, हाई एक्सपेंसिव चीजें लगाई इसलिए इसका भी रेट थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो इसकी मैं थोड़ी डिटेल भी दे दूं दोस्तों कि इसके अंदर आपको 4 किलो मिल्क, 4 लीटर मिल्क, 1 किलो पाउडर मिक्स करके इसमें डालना है, उसके अंदर से आपको 110 से 115 कोन या कप निकलेंगे, 35 से 40 एमएल का एक कप या कोन होगा इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि एक कोन बनाने का खर्चा आपको कितने का गिरता है दोस्तों। मशीन के साथ हम कंप्लीट मशीन, इसकी पूरी पैकिंग, 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर, स्टेबिलाइजर, फ्लेवर मिक्सचर मशीन और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि पूना है
तो पूना डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा, सिटी लेवल पे आएगा, देहात इलाके में नहीं आएगा दोस्तों, आपको मशीन डिस्ट्रिक्ट से उठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो में आपको क्लियरली बताते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कस्टमर से हो जाता है, तो इसके हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिलीवरी फ्री देते हैं, ठीक है दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी कंपनी के नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके हर एक जानकारी फंक्शन डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों। नीचे कमेंट में अपना नंबर मेंशन मत कीजिए दोस्तों, आप अगर आपको रिक्वायरमेंट या कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कंपनी की सेल्स टीम नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी कंपनी की सेल्स टीम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे को हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है, ऑफिस बंद रहती है दोस्तों, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए एक बार, 7575050675। दूसरा नंबर है 9638234133। तीसरा नंबर है 8866575519। चौथा नंबर भी नोट करिए, 9601298282। दोस्तों हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो एक बार हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको नए नए प्रोडक्ट, नए नए बिजनेस की हम गाइडेंस देते रहेंगे दोस्तों। हमारे पास जो भी बिजनेस आते हैं दोस्तों, मोर देन 70% प्रॉफिट रेशियो वाले बिजनेस रहते हैं। कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कम प्रॉफिट हो। हम जितने भी बिजनेस आगे भी लॉन्च करेंगे और हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए, सब में 70% से ज्यादा ही प्रॉफिट है दोस्तों। तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।